टेक्सटाइल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। ओलंपिक में वर्चस्व की जंग के तीन बड़े दौर आए, अमेरिका, सोवियत और अब चीन। 120 सालों में भारत 2 से 7 मेडल तक ही पहुंचा। ड्रॉ मुकाबले में भारत का अब्बल लड़ा भारी रहा। अंग्रेज बल्लेबाजों की आंखों में दिखा भारतीय तेज गेंदबाजों का खौफ। दूसरे टेस्ट में अश्विन को मौका देना बेहतर होगा। बाढ़ से तबाही, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, बिहार और हिमाचल में 8 लाख हेक्टेयर में फसल बर्बाद। 4-5 दिनों तक बंगाल पूर्वोत्तर में भारी बारिश के आसार। चीफ जस्टिस के फिक्र, सीजेआई रमना बोले, पुलिस स्टेशन में मानवाधिकारी को सबसे ज्यादा हनन। प्रभाव वाले लोग भी थर्ड डिग्री से नहीं बच पाते। उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत करेंगे। 1 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में असर, झगड़े से मिजोरम को चुनावी लाभ, असल विवाद बांग्लादेशी घुसपैठ। चुनावी राजनीति, कई परिवारों को आजीविका का संकट। मुंबईकरों को बड़ी राहत, 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे आम लोग। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों को ही इजाजत। पाक आतंकी संगठन को लेकर NIA का बड़ा खुलासा, पुलवामा हमले के बाद जैश मोहम्मद ए लश्कर ए मुस्तफा नाम से बनाई गई नई गैंग। इसका सरग नाम मसूद अजहर के भाई के संपर्क में था। बड़े मंच पर भारत को बड़ा मौका, प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सुरक्षा परिषद में ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। आज होने वाली मीटिंग में पुतिन भी शामिल होंगे। संसद का मानसून सत्र, विपक्ष के हल्ला बोल के बीच राज्यसभा के तीसरे हफ्ते 8 बिल पास हुए। सदन का कामकाज बढ़कर 24% हुआ। FTII के कार्यक्रम में पहुंचे सेना प्रमुख, जनरल नरवणे ने कहा, फिल्मों में हीरोइन के कर्नल पिता को हमेशा खड़ूस ही क्यों दिखाया जाता है, वही बाकी परेशान करता है। अमेरिका में कोरोना इमरजेंसी, ऑस्टिन की आबादी 24 लाख, अस्पतालों में सिर्फ 6 ICU बेड खाली। हर कंकास में टीका नहीं लगवाने से स्थिति बिगड़ी। अफगानिस्तान को लेकर नीति बदल रहे देश तालिबान पर भारत बैकडोर स्ट्रेटेजी बना रहा, विदेश मंत्री जयशंकर के ईरान दौरे से मिल रहे संकेत। पाकिस्तान में आतंकी हमला, क्रेटा के सेरेना होटल के करीब बम धड़ाका, 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 13 घायल। बाइक में फिट किया गया था बम। महाकाल के द्वार सभी के लिए खुले, सावन के तीसरे सोमवार को भांग चंदन और फूलों से बाबा का किया गया श्रृंगार। शाम 4 बजे नगर शाही सवारी निकली। MP विधानसभा का मानसून सत्र आज से, बाढ़ पर चर्चा करना चाहते हैं विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री बोले, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में होगा फैसला। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। यूपी में 14 IPS अफसरों के ट्रांसफर, विपिन टाड़ा अब गोरखपुर के नए कप्तान। दिनेश कुमार पी को पीलीभीत भेजा, PSC प्रयागराज से अविनाश पांडे उन्नाव पहुंचे। CM ने माना, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी थी। आगरा में CM योगी बोले, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, ये सबने देखा। यूपी के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा। CACS के फाइनल एग्जाम का पेपर लीक, पटना पुलिस ने पहले 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, फिर शाम तक छोड़ा। SSP ने कहा, कोई सबूत नहीं मिला। नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज, बोले, मैं तो उस बच्चे के माता पिता के चरण स्पर्श करने आया हूं जिसने देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि सारी टेक्सटाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे।